अपने उम्दा अभिनय के लिए जाने जाने वाली अभिनेत्री दिव्या दत्ता जल्द नजर आएंगी फिल्म धाकड़ में। एक बहुत ही अलग किस्म का किरदार है, नेगेटिव किरदार है। इससे पहले भी वो काफ़ी बार नेगेटिव किरदार में नज़र आई है, लेकिन इस बार उनका अंदाज काफ़ी अलग है। मैंने ट्रेलर देखा और आपका जो अंदाज देखा काफ़ी डरावना है, मतलब आप डर जाएगा जिस तरह की हरकतें आप कर रही हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि किस तरह का किरदार है और वो क्या मोटिवेशन था कि आपने इस किरदार के लिए हाँ कहा। एग्जैक्टली ये जो आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा डरावना है, थोड़ा अलग है और थोड़ी जुनूनी औरत है और थोड़ी क्रेजी है, थोड़ा हल्का सा पागलपन है और बहुत ईविल है। तो ऐसा कुछ किया नहीं था पहले मैंने, और डायरेक्टर रेजी जो है उनका फ़ोन आए कि मैं चाहता हूँ कि आप ही करें ये रोल। तो फिर मैं कहा अच्छा मैं सुनती हूँ। जब सुना और जो लुक है जो फिल्म की, जहाँ पे वो प्लेस्ड है एंटागनिस्ट की तरह, वो बहुत एक्साइटिंग लगा मुझे और लगा कि ये लोगों को सरप्राइज करेगा, जो कि हुआ। जब इस फिल्म का पोस्टर पहली बार बाहर आया तो कितने दिग्गज डायरेक्टर्स ने मुझे फ़ोन किया कि ये तुम हो, ये पक्का तुम हो। सो इट इट फेल्ट नाइस कि आप लोगों को जिनके साथ आप काम कर चुके हैं उनको भी आप सरप्राइज कर रहे हैं। तो हर फेज में अगर आप कुछ ऐसा करते रहे, नया करते रहे, तो इट्स नाइस। सो इसीलिए मैंने शायद धाकड़ की। आपकी इमेज जो है वो एक बहुत ही सकारात्मक किस्म के रोल निभाने वाले हमेशा से रही है। बीच बीच में आपने नेगेटिव किरदार किए हैं जिसके लिए आपको अप्रिसिएशन भी मिला है, लेकिन ये जो किरदार है, जब आपने हाँ कहा या जब आपको ऑफर हुआ, तब आपके मन में कुछ ऐसा था कि यार ये कैरेक्टर मैं कैसे निभा पाऊंगी, ये कितना चैलेंजिंग है और इसे सही तरीके से निभाना, वो एक अंदर से एप्रिहेंशन था कुछ ऐसा? इसमें रोहिणी में तो बिल्कुल एप्रिहेंशन नहीं था। इससे पहले जो फिल्म की थी माँ, उसमें था, क्योंकि वो तीन फेजेस का रोल था, कंप्लीट रोल था, वो 30 से लेकर 65 तक था। तो 65 वाला करने में मुझे एप्रिहेंशन थी कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट अच्छा लगा करके और इतना प्यार उस फिल्म को मिला। रोहिणी में मुझे एक्साइटमेंट थी कि कुछ ऐसा है जो कभी किया नहीं है। और जब कई बार दिव्या को आप साइड पे मैं रख देती थी और रोहिणी को टेक ओवर करने देती थी, तो क्या क्या चीज़ें निकल के आती थी सेट पर, वो मज़ा आता था कि ये कहाँ से आया, ये मीन स्ट्रीक कहाँ से आई। तो इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। आई थिंक हर किरदार की एक सबकॉन्शियस मेमोरी होती है जो आपको बताती है कि चल अब ये करते हैं, चल अब ये करते हैं। तो रोहिणी को ढूंढना और रोहिणी को पाना एक खतरनाक प्रोसेस था, लेकिन मज़ेदार था। तो आप बता रहे थे कि काफ़ी लोगों ने आपको फ़ोन किया और बहुत सरप्राइज थे आपका ये अंदाज देखकर। क्या कॉम्प्लीमेंट मिला सबसे अच्छा आपको इस अब तक का? आई डोंट नो, बट बहुत सारे मिले हैं रवि। देयर हैव बीन सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स कमिंग फॉर दिस फिल्म कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो आप चॉइसेस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं। ऐसे एक फीमेल किरदार को इतना प्यार मिलना सिर्फ एक पोस्टर देख के या ट्रेलर देख के, एक अपने आप में बड़ी, बहुत बड़ी बात होती है। इतनी एक्साइटमेंट लोगों की आवाज़ों में, तो अच्छा लगता है। धाकड़ एक एक्शन फिल्म है और इंटरनेशनल स्तर की फिल्म बनाने की कोशिश की गई है, उस तरह का एक्शन हमें नज़र आ रहा है। कंगना को हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्शन कर रही है, अर्जुन रामपाल बहुत एक्शन मोड में, जिनके साथ आप आपकी जुगलबंदी है, आप कोई ऐसा एक्शन करती नजर आएंगी फिल्म में? जी मैं लोगों को मारने का काम कर रही हूँ। ये लोग एक्शन कर रहे हैं, मैं शूटिंग कर रही हूँ। मेरा अलग अंदाज है इसमें, लेकिन वो है, वो बिल्कुल, वो भी धाकड़ है एकदम, और बिंदास है और बोल्ड है। और जिस तरह से आप, जब मैं बताऊंगी ना तो वो पता लग जाएगा। तो वो खास उन्होंने इसलिए ट्रेलर में भी नहीं इसको डाला है क्योंकि वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, इंटरेस्टिंग है, और वो मैं ही हैरान हो गई थी कि ये हुआ कैसे, बट इंटरेस्टिंग है। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अर्जुन रामपाल के साथ मिलकर आप बहुत सारे ईविल काम करते हुए नजर आ रही हैं, अर्जुन रामपाल के साथ काम करने का अनुभव कैसा था? बहुत ही मैंने ट्रेलर लॉन्च पे भी देखा था, बहुत बॉन्डिंग थी आप लोगों के आपस में, क्या कहना चाहेंगी उनके साथ बॉन्डिंग को लेकर और शूटिंग के एक्सपीरियंस उनके साथ? इस रोल में खास तौर पे टू हैव somebody लाइक अर्जुन विद मी, क्योंकि वो उसमें केमिस्ट्री की बड़ी ज़रूरत थी कि आप दोनों ही एक क्रेजीनेस, एक पागलपन शेयर करते हो, तो उसके लिए एक केमिस्ट्री होना बड़ा ज़रूरी था कि हमें पता हो कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। तो मज़ेदार बात ये थी कि जितना वो क्रेजीनेस दिखाते थे उतनी ही मैं दिखाती थी, या मैं कुछ पागलपन करती थी वो ही वैसे करते थे। बहुत कॉम्प्लीमेंटिंग हो गया था। आई रिमेम्बर हम लोग एक सीन कर रहे थे कोल माइंस में,
तो दोनों मस्ती कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, एंड वी कुडंट गेट द सुर होता ना कई बार एक सीन का, वो मिलना. एंड द डायरेक्टर ही प्लेड सम म्यूजिक, बिल्कुल क्रेजी मैड म्यूजिक ही प्लेड. आई डोंट नो, हम दोनों को एक साथ एक ही वक्त पे क्या हुआ कि दोनों अपने अपने किरदार में घुसे, और वो जो आप शॉर्ट्स देखते हैं ट्रेलर में, वी डिड दैट. वो सिर्फ म्यूजिक के साथ उसमें, वो पता नहीं कहाँ एक ट्रांस में घुस गए थे दोनों. तो बड़ी उस तरह से बॉन्डिंग बनी. मैंने अर्जुन के साथ दो फिल्में पहले की हैं, पर हमने ज़्यादा स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं की. एक लास्ट ईयर की थी ऋतुपर्ण घोष की, और एक हीरोइन की थी, लेकिन साथ में नहीं थे. लेकिन बहुत बार मौका मिला है अर्जुन के साथ वक्त बिताने का, एंड बहुत विट्टी और बहुत प्यारे इंसान हैं. बहुत पिटी और बहुत प्यार, तो बहुत मजा आया होगा आपको शूटिंग करते हुए। सुपर फन, बहुत हंसी, बहुत मेकअप खराब हुआ हंस के और फिर जाना पड़ता था रेडी होने के लिए. सो यस, इट वाज फन. मैं जानना चाहूंगा, लगभग 2 दशक पुराना आपका किरदार, 2 दशक हो गए आपको इंडस्ट्री में, तमाम तरह के आपने किरदार निभाए हैं, वो क्या मोटिवेशन होता है आपके लिए कि रोजाना सेट पे जाया जाए और शूटिंग की जाए और कुछ अलग किरदार निभाकर लोगों का मनोरंजन किया जाए? वो अभी वो व्हाट इज द थिंग जो इट कीप्स यू गोइंग, वो क्या चीज़ है? यू बीन हियर फॉर सो लॉन्ग, वट कीप्स यू गोइंग? इट्स अ पैशन फॉर योर वर्क. आप जब अपने काम को बहुत पसंद करते हैं और उसमें आप हमेशा कुछ ना कुछ एक नया, जब आपको खाना बनाने का शौक हो, आप किचन में हो, तो आप कहोगे ना चल यार ये नई रेसिपी करते हैं, अभी एक ही चीज़ थोड़ी खाते रहेंगे, एक नया करते हैं, आप ये खा के देखिए, आप ये खा के देखिए. उसी तरह से किरदार होते हैं, जब आपको लगता है चलो मैंने एक नई चीज़ तैयार की, अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए, तो लोगों को भी मज़ा आता है देखने में. अब मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी अर्निंग शायद यही है, जब ऑडियंस कहते हैं कि हम फिल्म देखने जाते हैं क्योंकि तुम हो उसमें, क्योंकि कुछ अलग करोगी, तो वो जो अलग करोगी है वो प्रेशर नहीं होता है, वो एक 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 ट्रस्ट है उनका मुझ पर, एक प्यार है उनका, एक स्नेह है कि वो मुझे देखने आते हैं. और तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ नया ढूंढना पड़ता है, और वही दैट कीप्स मी गोइंग. वो एक अंदर एक बच्चा होना बहुत ज़रूरी है जो आपको कहे चलो ये भी करते हैं और चलो ये भी करते हैं. अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेती, लेकिन अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ. आप अपने काम को बहुत सीरियस लेते हैं और वो पर्दे पर नज़र भी आता है, जिस तरह से आप उम्दा तरीके से किसी भी किरदार को निभाती हैं वो हमें दिखता भी है। शूटिंग के और कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहेंगी धाकड़ के वक्त? कोई ऐसे मोमेंट्स जो बहुत ही यादगार आपके लिए रहे हों, भले वो अर्जुन के साथ हो या किसी और के साथ, कुछ और खास ऐसा याद आ रहा है आपको धाकड़ के शूटिंग के वक्त? हमारा हमारे कुछ मेरे और कंगना के बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो फेस ऑफ सीन्स हैं, और मुझे नहीं लगता हिंदी फिल्मों के पर्दे पर ऐसा दो दो एक्ट्रेसेस का ऐसा फेस ऑफ कभी देखा होगा. तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, और जिसे कहते हैं बतौर एक्टर बहुत मज़ा आया करके. सो इट वाज रियली नाइस. तो दैट फॉर मी इज़ द हाईलाइट ऑफ द फिल्म फॉर मी. दिव्या, आपने ना सिर्फ हिंदी सिनेमा में कई किरदार निभाए बल्कि पंजाबी फिल्मों की भी आप एस्टैब्लिश्ड हीरोइन हैं, कई साउथ की फिल्में भी आपने की हैं। आजकल एक बहुत रेजिंग डिबेट चल रही है कि बॉलीवुड खत्म हो गया है और साउथ की फिल्में जो हैं वो उसने टेक ओवर कर लिया है। हाल ही में पुष्पा आई थी, RRR आई और KGF 2 आई, और बैक टू बैक 4 महीने में 3 सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी, और हिंदी सिनेमा अगर देखा जाए तो स्ट्रगल कर रहा है। ये जो पीरियड है, ये दौर जो है, वो बहुत खराब है हिंदी सिनेमा के लिए। आप किस तरह से देखती हैं इस बहस को, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस बहस को नहीं मानती रही. मुझे लगता है कि हमेशा एक फेज़ होता है ज़िंदगी में. जब टीवी आया था सबने कहा लो जी फिल्में ख़त्म, थिएटर ख़त्म हो गया, अभी कौन जाएगा बड़ा पर्दा देखने. वेब शो, वेब सीरीज़ आई, OTT आया, फिर सबने यही कह दिया. फिर कोई चीज़ आती है उसको बोल देते हैं दूसरी चीज़ ख़त्म. को एग्जिस्टिंग भी होता है हर, अब अगर एक फिल्म लोगों ने बहुत पसंद की तो हम उसे खुश होने के बजाय हम ऐसी डिबेट्स क्यों उठा रहे हैं? आई थिंक वी शुड बी हैप्पी. साउथ इंडियन फिल्म्स हैं तो हैं, लेकिन इंडियन फिल्म्स तो हैं. पंजाबी फिल्म है तो है, लेकिन इंडियन फिल्म तो है. हिंदी फिल्म भी जब एक चल जाएगी, आई एम श्योर जल्दी चल जाएगी. होता है कई फिल्म चलती है, कोई नहीं चलती है, लेकिन चलेगी, ये डिबेट अपने आप खत्म हो जाएगी. लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि साउथ की फिल्में बैक टू बैक हिट्स जा रही हैं और लोग जा रहे हैं, हज़ार हज़ार करोड़ का बिजनेस हो रहा है, और यहाँ हिंदी सिनेमा कोई फिल्म आ रही है तो उसे ओपनिंग भी नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये बहस अब और तीखी होती जा रही है, अब बड़ी होती जा रही है। महेश बाबू ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि मुझे हिंदी सिनेमा वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो और बहस आगे बढ़ गई। तो ये जो डिवाइड है, अजय देवगन ने कह दिया था कि
हिंदी अगर हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो क्यों डब करते हो, सुदीप कीचा को कह दिया था। तो ये बहस जो है वो और लंबी खींचती जा रही है। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, खिंचती जा रही, इसको रहने देना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि कब एक हिंदी फिल्म आए और उसे सुपरहिट करे और ये डिबेट जहाँ से शुरू हुई थी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाए। हिंदी सिनेमा के कंटेंट को लेकर आप कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जो कंटेंट जो है अब वैसा कंटेंट नहीं है जो हीरोइज्म दिखना चाहिए, जो मासी लेवल पे हम फिल्में बनाते थे, अब साउथ वाले वैसी ही फिल्में बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। आप कंटेंट को लेकर कोई दिक्कत देखते हैं? देखिए जब कुछ नहीं चल रहा होता ना तो बहुत सारी नुक्ताचीनियाँ होती हैं, ये सुने ये हो गया अब ये हो गया, जैसे ही कुछ चलेगा वो सब बातें खत्म हो जाएंगी, ये हम ऐसे ही करते हैं, सो दैट्स फाइन। जैसे ही कोई अच्छी फिल्म चलेगी, पहले बीच में ये बिल्कुल टिपिकल हीरो वाली फिल्में नहीं आ रही थी, अब सडनली साउथ से आई हैं, अब कुछ और नया आएगा जो चल जाएगा, फिर सब कहेंगे अब ऐसी फिल्में चलती हैं, वी फॉलो इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि जो चला उसी की ही बात करेंगे। तो मुझे लगता है हर चीज़ को उसका वक्त दे देना चाहिए कि ठीक है ये हुआ, ये फेज़ है, अब कुछ और होगा वो फेज़ होगा। चलिए एक बार फिर से धाकड़ पर आते हैं और यही इंटरव्यू हम खत्म करेंगे इस सवाल के साथ। सवाल नहीं है, एक दरखास्त है कि फिल्म में जो आपका अलग अंदाज नजर आ रहा है और जिस तरह की डायलॉग बाजी आप कर रहे हो उसकी एक झलक हमारे दर्शकों को आप इस वक्त कोई डायलॉग बोल के देखिए मैं बता अगर रहे रोहिणी के डायलॉग बोलने शुरू हो गई तो वह सेंसर हो जाएगा। आई थिंक आपने ट्रेलर में देखा है वो, मैं खुद मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगी, बतौर वो रोहिणी के कॉस्ट्यूम में होंगी तो बिंदास बोल दूंगी, एंड आई लव व्हाट आई सेड, बट अभी इस वक्त नहीं बोल कोई एक पाऊंगी। ऐसा डायलॉग जिसमें गाली ना हो आप सुना ऐसा नहीं सकते है हर डायलॉग में गाली है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका एक अंदाज बिल्कुल अलग है, वो आप देखेंगे तो पता चलेगा, वो उसका मजा ही वो है, मैं क्यों ऐसे डाइल्यूट करके एक डायलॉग सुना दूँ, आई वुड रादर कीप इट कि आप वहां देखें और उसका मजा लें। अच्छा एक छोटी सी बात और याद आई कि भूल भुलैया धाकड़ के सामने रिलीज हो रही है, क्लैश हो रही है, आप किसी तरह की दिक्कत देखती हैं या आपको लगता है कि दोनों फिल्म चलेंगी, और दोनों फिल्म पहले भी ऐसी मिसालें रही हैं जब दो दो फिल्में चली हैं? जी स्क्रीन्स ऑब्वियसली डिवाइड होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा है कि बहुत सारी फिल्में जो लगता था कि ये इतनी बड़ी फिल्म आ रही है ये भी आ रही है, वो दोनों एक साथ चली हैं। आई डोंट रिमेंबर विच वन, जो सबसे बड़ी थी शायद गदर आई थी और उसके साथ एक और लगान, लगान आई थी, आई थिंक दिल और दिल और घायल बिल्कुल, तो ये दोनों फिल्में चली थी। आई और दोनों ही बड़ी हिट थी। बात यह है कि दोनों के जॉनर्स अलग हैं, वो एक्शन फिल्म है, वो उसका अपना एक ब्रांड है ऑलरेडी, तो जो उसकी ऑडियंस है वो देखेगी, जो उसकी ऑडियंस है वो देखेगी, शायद दोनों दोनों देखेंगे, लेकिन आई वुड विश बोथ द फिल्म्स आर द वेरी बेस्ट। चलिए दिव्या, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी अगली जो फिल्म है धाकड़ उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।